CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। नमस्कार, मैं हूं राज पांडे, आप देख रहे हैं CEN News। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। चीन में अब तक इस वायरस की वजह से सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं। भारत में भी कोरोना वायरस को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में कोरोना वायरस को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। जनपद बहराइच की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है, लिहाजा बहराइच में भी कोरोना वायरस को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। बहराइच के मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस को लेकर स्पेशल वार्ड बनाया गया है, जहां साफ सफाई के साथ सभी व्यवस्थाओं को चौकस रखा गया है। वहीं SSB ने के जवान एहतियातन मास्क लगाकर इंडो नेपाल सीमा पर नेपाल से आने वाले हर नागरिक का की सघन चेकिंग कर रहे हैं। देखिए, ये जो कोरोना वायरस है, ये चाइना में इसके कारण बहुत बड़ी एपिडेमिक फैली हुई है। काफी लोग इससे शिकार हो रहे हैं और बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो अभी शासन ने हम बॉर्डर के सारे डिस्ट्रिक्ट्स की, जो नेपाल बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट हैं, उसकी एक बैठक की थी और एहतियात के लिए तमाम इंतजाम के लिए हम लोग को निर्देश मिला है। तो बहराइच चूंकि नेपाल बॉर्डर पे स्थित है और इसका एक रुपईड यहाँ इंटरनेशनल वहाँ पे चेक पोस्ट है, वहाँ से लोग नेपाल के माध्यम से चाइना के लोग, जो चाइना गए हुए लोग हैं इंडियंस, वो वापस आते हैं। तो वहां पे हम लोगों को एक हेल्प डेस्क बनाने के लिए निर्देश दिया गया है। SSB से सहयोग लेकर वहां पे हेल्प डेस्क चल रहा है और लोगों की चेकिंग की जा रही है कि अगर वो चाइना से आ रहे हैं, अगर उनमें कोई कोरोना वायरस के सिम्टम्स अगर रहते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने अभी जो CSC बॉर्डर पे है, चरदा CSC बॉर्डर पे है, वहां पे एक आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। कोरोना वायरस के संबंध में कल हमारे यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कल शाम को 5 बजे हमारे जो प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य श्री देवेश चतुर्वेदी जी के द्वारा कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। उन्होंने काफ़ी इसके बारे में सब, हमारे DM साहब महोदय भी थे वहाँ पे और CMO साहब भी थे, सबके उसमें उन्होंने सारे जिले का उन्होंने समीक्षा किया और इसके बारे में बताया, जागरूकता मतलब लोगों में पैदा हो और उसके साथ साथ जो है जो पेशेंट आते हैं उनको जो है मतलब चिन्हित करें कि कौन से मरीज जो है नेपाल से जो आ रहे हैं, वो क्या चाइना से आ रहे हैं, आप चाइना से जो स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ने आते हैं, MBBS करने और नीट जो भी करने आते हैं वो लोग पे आते हैं, अगर ऐसा कोई वहाँ का स्टूडेंट्स यहाँ पे आता है तो उसको चिन्हित करके उसके बारे में थोड़ा जाँच कराते हैं, भर्ती करके जाँच करेगी और जिससे कि वायरस जो है और फैलने ना पाए, इसके लिए हमने सुनिश्चित अपना व्यवस्था सुनिश्चित कर ली है। 10 बेड का एक अभी बनाया जिसको भी आपको दिखाया हमने। जो